चलिए गाइस, हम लोग बात करते हैं टाइटैनिक प्रॉपर्टी को लेकर। देखो, अगर आप ये एक बार याद करोगे तो हम लोग गाइस क्लास 11 में पढ़े थे प्रतिदर्श समष्टि निकाला करते थे। समष्टि इंग्लिश वर्जन की बात करें हम लोग सैंपल स्पेस बोला करते थे। सैंपल स्पेस की बात करें गाइस ना, तो सैंपल स्पेस हम लोग एरिया से डिनोट किया करते थे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, क्लास 11 का चैप्टर आपको प्रॉबेबिलिटी आ रहा है तो यहाँ कुछ भी नहीं प्रॉबेबिलिटी है, उसको समझ जाओ ना गाइस। और मैं आपको ये बता दूँ, हर एक कंप्यूटर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो अभी आप कंप्यूटर का एग्जाम तैयारी कर रहे हो, हर जगह प्रॉबेबिलिटी गाइस पलथी मार के बैठा है। अब समझिए, प्रॉबेबिलिटी निकालने का यस निकालने का दो तरीके होते हैं। इसे मान लो एक क्वाइन को, एक सिक्के को गाइस दो बार टास्क किया गया, तीन बार टास्क किया गया, हवा में उछाला गया, हिंदी में टास्क करने में उछाल देना, कहीं ऐसे डाइस यानी पासा के बारे में बात करेगा, तो ये सारे प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन बनते हैं। तो यस निकालना पड़ेगा। मैंने आपको 11 में सिखाया था गाइस प्रोबेबिलिटी का यस जो पथदर्श समष्टि यानी सैंपल स्पेस निकालते हैं, दो तरीका मैंने दिया था। एक ट्री मेथड और एक क्या दिया था, एक दिया था कौन सा, डायरेक्ट मेथड। जैसे आप ट्री मेथड और एक डायरेक्ट, पहले आप समझे ट्री मेथड क्या है। ट्री का मतलब आप टी फॉर ट्री यानी पेड़ पढ़े होंगे, सिंपल बात है। टी फॉर क्या होता है, ट्री होता है, यानी पेड़ होता है। तो हम पेड़ में आप देखिए, पेड़ में बहुत सारी शाखाएं होती है, एम आई राइट, बहुत सारी शाखाएं, देखिए शाखाएं निकलती है, उससे निकल जाएगी, फिर इससे ये निकल जाएगी और सारे में बहुत सारी शाखाएं निकलेगी। तो हम ट्री मेथड के बारे में जानेंगे कैसे हमें यस निकालें, क्या क्या घटना। इसके बाद खुद सोचो, हमने कहा ना कि मेरे पास एक सिक्का है, मैंने टास्क किया, हमने उसको उछाल दिया, तो उसको आप बोले जो समष्टि पदस आएगा, जो सैंपल स्पेस आएगा, वो यस बराबर क्या होगा, या तो हेड नहीं तो, और कुछ होता है क्या, और कुछ या तो हेड नहीं तो क्या, टेल तो आसान है इसको लाना। अगर मान लो गाइस, अगर आपने कहा दो सिक्का, देखो दो सिक्के को एक बार उछालना है या एक सिक्के को दो बार उछालना, दोनों बार बराबर, दोनों बात बराबर है। एक सिक्के को हवा में कितनी बार दो बार उछालिए या दो सिक्के को एक बार उछालिए, दोनों क्या सेम है। पांच सिक्के को एक बार उछालिए या एक सिक्के को पांच बार उछालिए, दोनों की बात क्या सेम है गाइस। तो आपको इस पर नहीं जाना कि कौन सा क्या कर रहा है। अब मेरे कहने का मतलब ये है, समझिएगा, मैंने कहा गाइस मेरे पास एक क्वाइन था, एक सिक्का था, मेरे पास एक क्वाइंस था, एक सिक्का था, मैं इसको हवा में टास कर दिया, उछाल दिया, इसके पदस समष्टि क्या बनेंगे। तो आप सिंपल में बोल सकते हो सर हेड हेड बन सकता है, या एक सिक्के को, एक सिक्के को दो बार या दो सिक्के को एक बार, दोनों सेम है। पहली बार उछाले हेड आ गया, दूसरी बार हेड आ गया, दूसरा तीसरी बार हेड या टेल आ गया, नेक्स्ट टाइम क्या टेल या हेड आ जाए, और नेक्स्ट टाइम क्या टेल आएगा, और कुछ आ सकता है क्या, और कुछ। तो ये आसान है निकालना, लेकिन अगर तीन के लिए कह दिया जाए तो प्रॉब्लम है। ऐसा चार के लिए, पांच के लिए आपको पांच सेकेंड लगेगा बाबू, आप सैंपल स्पेस निकाल लोगे, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। अगर मेरी बात आपको याद रहती है तो, अगर भाई अगर नहीं याद है तो भाई भूलना ही भूलना, लेकिन मैं मुझे पता है आप यहाँ तक आए हुए हो तो बातों को याद करोगे। समझिएगा, मैंने क्या कहा, आप मैं करो ट्री में कैसे निकाले, समझिएगा। मैंने कहा कि एक क्वाइन है, इधर देखिए मेरे पास एक क्वाइन, एक सिक्का है, इस क्वाइन को मैंने कहा दो बार हवा में उछालो, तो दो बार उछाल दी। पहली बार आपने कहा सर या तो आप पहली बार उछाले हुए या तो हेड आया होगा, क्या आया होगा, टेल आया होगा। ये है आपका ट्री मेथड, देखिए ये आपका है बाबू ट्री मेथड, जान लीजिए। तो पहली बार या तो हेड नहीं तो टेल, दूसरी बार आप उछाले कब, जब हेड आया था, जब हेड आया फिर आप दोबारा उछाले होंगे, तो दो ऑप्शन फिर बने होंगे, या तो हेड नहीं तो क्या टेल, दोनों से कोई आया होगा। अगर गाय तेल की हम बात कर रहे हैं, और जब तेल आया था तो फिर आप दूसरी बार उछाले थे, तो क्या आया था, या तो हेड आ नहीं तो तेल। सर सैंपल स्पेस कैसे दें, तो यस इज इक्वल टू, देखो इसका बनाओ ना, इसका बनाओ ऐसे क्रम बनाओ, क्या हेड हेड क्या आया होगा, हेड हेड आया होगा, क्या आया होगा बच्चा, तो हेड हेड आया होगा। मैंने कहा कि हेड हेड आया होगा, इतना ही नहीं, क्या हेड टेल आया होगा, क्या आया होगा, हेड टेल आया होगा। अनेक इसका इससे कराओ, इसका चक्कर कराओ, इससे तो टेल है, क्या जाएगा टेल है, और नहीं तो क्या टेल टेल, और कुछ आ सकता है क्या, और कुछ आ सकता है। तो अब देखिए ये हमारे पास गाइस सैंपल स्क्रिप्ट बन के तैयार है। मैंने एक बताया था गाइस ऐसे ही, और एक मैंने आपको ट्रिक से समझा दिया, एक तरीका ये हो गया। दूसरा ये तो थोड़ा सा गाइस इजी था, अगर मान लो गाइस अगर मैं कह दूं ये सिर्फ तीन बार उछाला गया, समझिएगा बात, अगर मैं आपसे कह दूं बच्चा पार्टी कि एक सिक्के को तीन बार उछाला जाए, इधर देखिए भाई ये आपका हो गया क्वाइन, और कितना उछालना है, तीन बार। सबसे बात आप जानो माओ कि गाइस जब सिक्के उछालते हैं तो रिजल्ट कितने आते हैं,
तो मैंने एक आपको फार्मूला दिया था फेस पे पावर यन कितना फेस पे पावर यन गाइस किसी को देख के आप जज नहीं करोगे चेहरा एक ही होगा इस देखिए अब आपका चेहरा देखिए मैं गिरा रहा हूँ आप मेरे लिए स्टूडेंट हैं एक चेहरा ये हुआ अपने मम्मी पापा के लिए क्या है उनके बेटे हैं बेटा या बेटी है दो चेहरा हो गया इतना ही नहीं आप गाइस किसी के लिए गर्लफ्रेंड बन मतलब ये मतलब गाइस मन इमेजिन के लिए आपका आपका ये लड़का क्या फ्रेंड है तो आपने बोले ना बॉयफ्रेंड है मेरा अरे आपका फ्रेंड है अब है बोले ना बॉयफ्रेंड है आपका आकांक्षा आपकी फ्रेंड कौन है मुस्कान तो बोलो गर्लफ्रेंड है इसको ऐसे नहीं बोलते हैं आप गलत क्यों लेते हैं इतना गलत होगा दुनिया कैसे चलेगी तो मेरी मेरे कहने का मतलब था गाइस किसी के लिए आप बहन हो किसी के लिए भाई हो किसी के लिए बेटा हो किसी के लिए क्या हो आप बुआ हो दीदी हो तो आपके बहुत सारे चेहरे एक नहीं है तो गाइस अगर मैं पूछूं कि आंसर कितने हैं तो कभी भी आंसर दिखेगा आपका उसी के कितने चेहरे हैं दो चेहरा एक हेड और एक क्या तेल तो आप यहाँ दो लिख लें आप कितने बार उछाल लें ये लिख लें तीन बार उछालेंगे तो तीन बार एक कितना आंसर दो इंटू दो कितना जाएगा आठ आ जाएगा और मान लीजिए डाइस होगा डाइस देखे हैं लूडो तो डाइस अगर डाइस की बात करें तो देखिए इसका छह का क्रम है एक दो तीन चार पाँच छह एक क्रम है तो मैंने कहा अगर एक डाइस को आप दो बार उछालिए डाइस है तो डाइस यानी फेस पहले उसको फेस कितना है डाइस का फेस कितना है बच्चा छह अगर एक डाइस को आप दो बार उछाल दिए तो आंसर कितना आ जाएगा छत्तीस आ जाएगा ऐसे का तीन बार शायद उसको सोलह आ जाएगा तो आप उछालते जाओ तो गाइस क्वेश्चन बनते जाएंगे तो पहले हम लोग फेस निकालने सीख लिए एक फेस निकालने एक फार्मूला है मैंने आपको ये भी दे दिया अब आपने कहा सर जी एक क्वाइन को तीन बार एक सिक्के कितना बाबू एक सिक्के को आप तीन बार उछाल रहे हो तो रिजल्ट आपने कहा सर तीन बार उछालूंगा तो आपने कहा सर चुपके से कहीं लिख लेना बगल में याद रहे आपको फेस पे पावर यन एंड सिक्के का राइज क्या दो फेस पावर कितना तीन आंसर कितना आता है आठ आंसर कितना आएगा आठ आया कुछ भी मत करो ये आपका सिक्का है पहली बार आप उछाले तो क्या आया होगा हेड आना ही तो तेल आया होगा दूसरी बार उछाले होगे कब जब हेड आया होगा उस तक हेड आया तो क्या आ सकता है तेल आ सकता है फिर नेक्स्ट टाइम आप उछाले होगे तो हेड आ नहीं तो तेल तो देखिए ये दो बार काम हो गया दो बार काम हो गया ना आपको तीन बार उछालना है तो फिर उछालिए हेड पर क्या आया होगा हेड आ नहीं तो तेल इस पर क्या आया होगा हेड आ नहीं तो क्या तेल इस पर क्या आया होगा हेड आ नहीं तो तेल इस पर क्या आया होगा हेड आ नहीं तो सर लिखे कैसे तो आप जानते हो कैसे लिखना है इसका जो सैंपल स्पेस होगा कुछ भी मत करो ट्रिपल एच कर लो उसके बाद एच एच टी एक बार इसको तीन बोलो फिर इसको तीन बोलो क्या हो जाएगा एच एच टी उसके बाद इसको एच टी एच टी एच उसके बाद क्या एच टी एच एच टी एच उसके बाद उसके बाद देखना अपने टी एच एच इधर आया क्या टी टी एच एच टी एच एच फिर क्या टी एच टी टी एच टी नेक्स्ट देखिएगा टी टी एच टी टी एच और नेक्स्ट देखिए क्या ट्रिपल टी अब देखो ना आपने शुरू में आपने जादू मंत्र पढ़ करके फार्मूले को देख करके आपने कहा सर आंसर आठ आएंगे रिजल्ट आठ आएंगे एक दो तीन चार चार कितना होता है आठ होता है आठ आपका रिजल्ट आ गया आपने सारे को बनाना सीख लिया अब आपको मैं दे रहा हूं आप बनाओ एक सिक्के को चार बार कितने बार चार बार उछाला गया और बताओ रिजल्ट कितना आएगा और बना के दिखाओ कितने रिजल्ट आ रहे हैं एक बार दिखाओ इसको तो फटाक से दिखाओ तो देखना अब तक आप चार को बना के तैयार कर चुके हो एक बार देखना फिर से सैंपल स्पेस की बात करें बेटा तो क्या क्या आया होगा अब गाइस चार का समूह बनेगा कितने का बनेगा चार चार का बनेगा तो आप देखो ये क्या लिए होगे चार एच लिए हो कितना एच ले लिया चार एच एक साथ ले लिए चार एच आया होगा और नहीं तो गाइस क्या आप देखिए पहले का गाइस इस वाले का इससे बाबू ना इससे ना नहीं 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 इसको देखिए इससे इससे देख रहे ना गाइस देख रहे नहीं देख रहे देख रहे बाबू ना क्या आया होगा ट्रिपल एच और क्या टी आया होगा टी
ट्रिपल एच और टी, तो मैंने ट्रिपल एच और टी दे डाला, उसके बाद ये फिर क्या इसका इनसे बाबू इनसे आराम से क्या आएगा डबल एच और क्या टी एच। नेक्स्ट बोलिएगा यह हो गया, नेक्स्ट बोलिएगा डबल एच और क्या डबल टी, डबल एच और क्या बाबू डबल टी। चलिए ए भी हो गया, अब ये हो गया बाबू, इसको देखिएगा इस वाले क्या एच टी डबल एच, तो मैं यहां लिख रहा हूं एच टी डबल एच, एच टी डबल एच और क्या है एच टी एच टी, देखिए एच टी और क्या एच टी एच टी एच टी, यही हो गया ना। अब ये बच रहा है क्या एच डबल टी और एच ना, तो एच डबल टी और क्या एच, और देखिएगा एच टी ट्रिपल टी है क्या, तो एच ट्रिपल टी है। चलिए यस ट्रिपल टी, नेक्स्ट देखिए क्या है टी डबल एच, ये क्या टी ट्रिपल एच कर लिया। एंड गाइस नेक्स्ट आप देखेंगे तो क्या मिल जाएगा टी डबल एच और टी, यही है टी डबल एच और क्या टी है, टी डबल एच टी हो गया। उसके बाद देखिए उसके पास क्या है टी एच टी एच, तो टी एच टी एच, यही है बाबू। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्या है टी एच डबल टी, ये वाला पोर्शन देखिए टी एच डबल टी, तो टी एच डबल टी हो गया टी एच डबल टी और क्या डबल टी डबल एच, यही ना डबल टी डबल एच, तो हो गया डबल टी और डबल एच, एम आई राइट। एंड गाइस डबल टी क्या डबल टी एच टी इस वाले पोर्शन को, तो डबल टी एच टी। उसके बाद देखो भाई क्या डबल टी ट्रिपल टी एच ट्रिपल टी एच, और लास्ट में तो समझ रहे हो क्या टी कितने बार, चार बार, एक दो तीन चार, सुनो बार ये ना अच्छा फोर बार, अरे चार बार हो रहा यार। अच्छा ये हमारा गाइस बनके तैयार हो गया, आप देख रहे हो, तो आपको लगा ना सर ये बहुत टफ लगा, इससे भी आसान है, आप ओनली 5 सेकंड लगेगा गाइस, इससे भी आसान है, आप सीख जाओगे, क्योंकि अभी मैं कह दूंगा 5 सेकंड का निकालो तो आपको टफ लगेगा, इससे आसान है क्या डायरेक्ट मेथड, 5 सेकंड लगेगा अभी आप जान जाओगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्ट मेथड की बात करेंगे।